नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों का महत्व बताते हुए कहा है कि अगर व्यक्ति वेद में बताए गए कुछ मंत्रों को अपनी दिनचर्या में केवल एक बार शामिल कर लेंगे तो उनके कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। अगर कोई भी मनुष्य खास मंत्रों को सुबह उठते ही कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करके उच्चारण करते हैं तो उनके जीवन में कोई भी समस्या घर नहीं करती है। प्रतिदिन केवल एक ही बार उच्चारण से आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, कामयाबी जक मारकर आपके पीछे दौड़ेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उन मंत्रों के बारे में जो सुबह सुबह उच्चारण करने मात्र से ही आपके दुर्भाग्य को दूर भगा सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष होता है उन्हें कभी भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त नहीं होती है। चाहे कुछ भी कार्य करते हैं लेकिन उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसका कारण कुछ और नहीं है बल्कि हमारे द्वारा किए गए अपने कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों, जब हम बार बार मेहनत करते हैं, बार बार मेहनत के बाद भी असफलता और पश्चाताप के अलावा हमें कुछ नहीं मिल पाता है तो इसके पीछे का कारण हमारे वास्तु दोष और हमारे ग्रहों की स्थिति ही होती है। ग्रह अगर शांत नहीं होते हैं तो कलह कलेश को बढ़ावा देते हैं, बाधाएं आती है। अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो आप समझ जाइए कि दुर्भाग्य ने आपको घेर रखा है। तो इस दुर्भाग्य को कैसे दूर किया जाए, दुर्भाग्य से कैसे बचा जाए? दोस्तों, इस दुर्भाग्य से बचने के लिए आप सुबह सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, दोस्तों मैंने ब्रह्म मुहूर्त का समय पहले भी बताया है और इस वीडियो में भी एक बार और बता देना चाहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त का सही समय सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का होता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य करें। वैसे तो हमारे शास्त्रों में शुभ कार्य या पूजा पाठ करने से पहले स्नान को अनिवार्य बताया गया है, लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है जिसका उच्चारण आप बिना स्नान किए ही सुबह सुबह अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आपको सबसे पहले हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, खड़े होना है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में खड़े नहीं हो सकते हैं तो कम से कम 5:30 या 6 बजे तक या जितना जल्दी हो सके आप जरूर खड़े हो जाएं। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होते हैं वो अन्य लोगों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं और ताजगी महसूस करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। माँ अन्नपूर्णा का वास हमेशा हमेशा के लिए उनके घर पर बना रहता है, घर में वैभव आता है। यह ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं, उनमें से पहला ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। वर्ष और भौगोलिक स्थिति के आधार पर सूर्य का समय हर दिन बदलता रहता है, उसी के अनुसार ही ब्रह्म मुहूर्त का समय थोड़ा बहुत बदल जाता है। अपने यहाँ के सूर्य का अगर सही समय माने तो उससे आप तो जो सूर्य उदय होता है उससे आप 1.5 घंटे की अवधि को घटा दें तो आपको जो ब्रह्म मुहूर्त का सही समय है उसका पता चल जाएगा। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर आपको ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, अपने देवी देवता के नाम का स्मरण जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आप सजग होकर सुखासन में बैठ जाएं, उसके बाद अपनी आंखें बंद करके आप सभी देवताओं के नाम का स्मरण करें और कहें कि हे ब्रह्मा विष्णु शिव, आप सभी देवता मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरे प्रातः काल को या दिनचर्या को मंगलमय और सुखमय बनाए। आप अपनी हथेलियों को जोड़कर उनके दर्शन करते हुए इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब होता है कि हमारे हाथों के अग्र भाग में देवी लक्ष्मी जी, मध्य भाग में सरस्वती और हाथों के मूल भाग में गोविंद जी का, भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। इसलिए आप सुबह खड़े होते ही
अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर उनका दर्शन करते हुए हथेलियों की तरफ देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण आप जरूर करें। देवी लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और विष्णु जी के रूप में आप सर्वोच्च शक्तियों का आशीर्वाद पा सकते हैं। देवी लक्ष्मी धन की प्रदाता है, वहीं सरस्वती माता बुद्धि की दाता है और भगवान विष्णु जी समृद्धि के दाता है। ऐसा करके आप देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान विष्णु जी की दिव्य अभिव्यक्ति के चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा करने से आपको तीनों देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, आपके जीवन से दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। इस मंत्र का उच्चारण करने से आपको सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। यह ग्रहों को शांत करता है, अशुभ फलों को कम करके शुभ फलों को प्रदान करता है और शुभ फल देने वाले ग्रहों को बलवान बनाता है। फिर आपके ऊपर नव ग्रहों की दृष्टि भी सदैव बनी रहेगी। यह मंत्र उन सभी लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद है जो अपने जीवन में चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जो सफल होना चाहते हैं, संघर्षों को दूर करना चाहते हैं। यह मंत्र आपको ध्यान केंद्रित करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। आर्थिक मजबूती लाने के साथ साथ आपके इरादे भी मजबूत करेगा। आपका आत्मविश्वास, आपके मन की स्थिरता, आपके दिमाग की स्पष्टता भी हासिल करने में आपकी मदद करेगा। आप अपने मन को समझ पाएंगे, एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद। इस मंत्र का उच्चारण हर रोज सुबह सुबह करने मात्र से ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सारे कार्यों में सफलता मिलती है, सभी कार्य सफल होते हैं। इन मंत्रों का जाप बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इन मंत्रों के जाप से सौभाग्य के साथ साथ आँखों की रोशनी अच्छी होती है, भाग्य की लकीरों को खोलने में ये मंत्र बहुत ही कारगर साबित होता है। ये मंत्र आप सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होते ही जरूर बोलें। इन मंत्रों का उच्चारण आप जरूर करें दोस्तों। जो व्यक्ति सुबह देरी से उठते हैं या देर तक सोते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि तेज नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में दुर्भाग्य आता है, सौभाग्य साथ नहीं देता है। जो व्यक्ति सुबह देरी से उठते हैं, ऐसे में उनका शरीर ऊर्जावान नहीं होता है, इसके साथ साथ दुर्भाग्य भी बढ़ता है। तो दोस्तों, आप इन मंत्रों का जाप करके अपने जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं। आप अपनी दिनचर्या में सुबह खड़े होते ही एक बार इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें, ताकि आपको हर एक कार्य में सफलता मिले, सिद्धि प्राप्त हो सके। दोस्तों, इसी के साथ ही अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। आज का वीडियो बस यहीं तक। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।